भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले ओडीआई में ही भारत को मिली हार। भारत पहले ही ओडीआई में 31 रन से हारा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी क्यों नहीं दी। वेंकटेश अय्यर को कल ही इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले ही ओडीआई में अपने डेब्यू करने का मौका मिला और वो काफ़ी खुश नजर आए। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि वेंकटेश अय्यर को भारत की टीम में क्यों रखा गया है और किस लिए रखा गया है। वेंकटेश अय्यर को हार्दिक पांड्या के बदले रखा गया है तो फिर उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई जा रही है। एक ओपनर बैट्समैन को आपने 6 नंबर पे खिलाया और उनसे गेंदबाजी नहीं कराई। आपने उन्हें टीम में बतौर बल्लेबाज नहीं बतौर गेंदबाज रखा है तो फिर उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप हार्दिक पांड्या का एक विकल्प ढूंढ रहे तो फिर वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी करानी बहुत जरूरी है। वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी नहीं मिलने पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताएं।